देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 21 तारीख को 4-5 दिन पहले मैं उनसे मिला था और बोकारो की ज्वलंत समस्या जो बिजली थी उसके संदर्भ में और एयरपोर्ट का काम जो लटका था, मैं बहुत आभारी हूं मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने तुरंत मेरे सामने राज्य के PCCF से बात किया और बात करके शीघ्रतशीघ्र पेड़ की कटाई सुनिश्चित करने को कहा। आज अच्छा लग रहा है, मैंने स्वयं जाके देखा है, आज से वृक्ष की कटाई शुरू हो गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 महीने के अंदर वृक्षों की कटाई हो जाएगी। लगभग 6800 वृक्ष कटने हैं, तो वृक्षों की कटाई हो जाएगी और एक बार जब वृक्षों की कटाई हो जाएगी तो जो भी एप्रन या जो भी पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ें हैं बनने हैं उसका भी काम प्रारंभ हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही बोकारो का जो हवाई उड़ान का सपना है बोकारो वासियों का, जो बोकारो और इर्द गिर्द के जो हजारों लोग हैं जो चाहते हैं, लाखों लोग, कि बोकारो का अपना हवाई अड्डा शुरू हो जाए और यहाँ से हम लोग कलकत्ता और दूसरे शहरों में जा सकें, वह तो पूरा हो जाएगा। रनवे का काम भी 90% रेडी हो गया है और रनवे का काम आज मैंने बात किया कॉन्ट्रैक्टर से, जाके देखा तो उसने कहा कि 10-12 दिनों में रनवे का काम पूरा हो जाएगा। बाउंड्री वॉल का काम भी लगभग पूरा हो गया है। जिला प्रशासन से भी आग्रह करता हूँ कि जो बाउंड्री वॉल से सटे हुए जो भी अवैध लोग हैं, जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, उनको जिला प्रशासन अविलंब खाली कराए, क्योंकि जब तक वो खाली नहीं होंगे तब तक एयरपोर्ट शुरू नहीं हो सकता है। जो अवैध रूप से स्लॉटर हाउसेज हैं जहाँ पे जो बूचड़ खाना है उसको भी बंद कराने की आवश्यकता है, उसको बंद कराए। और एयरपोर्ट से सटा हुआ, बाउंड्री से सटा हुआ जो भी झुग्गी झोपड़ी है उसको खाली करा करके अन्यत्र कहीं शिफ्ट कराए। अभी पिछले 1 महीने पहले की बात है, 17 मीटर बाउंड्री वाल, नई बाउंड्री जो ठेकेदार ने बनाया था उसको तोड़ दिया उन लोगों ने। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ हवाई यात्रा शुरू हो और उसको भी ध्यान में रखने की जिला प्रशासन को ज़रूरत है। देखिए, मैं साफ कहना चाहता हूँ कि विकास के मामले में कोई कोताही नहीं, जिला प्रशासन, प्रबंधन, जनप्रतिनिधि, सबकी भूमिका अगर सकारात्मक होगी तो बोकारो को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है।